गुड मॉर्निंग। आज हम पावर प्लांट्स में थर्मल पावर प्लांट कोल हैंडलिंग के बाद में ऐश हैंडलिंग की बात करेंगे। ऐश जैसा कि सब जानते हैं, कोयले के दहन के उपरांत ऊष्मा निकलती है, धुआं निकलता है और राख बचती है। राख SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO.MgO इन सब ऑक्साइड से का मिश्रण होती है। ये NTPC के सौजन्य से प्राप्त एक एक्चुअल चित्र है, जिसमें ऐश वॉल्यूम एंड प्रॉपर्टीज की बात की गई है कि बॉटम ऐश बॉयलर में कोयले के दहन के बाद 10 से 20% राख बचती है। इकोनोमाइजर में रेजिडुअल जो 1% ऐश बचती है और एयर प्रेसिपिटेटर में 1% ऐश बचती है और फ्लाई ऐश 80 से 90% हो सकती है। जिसके फाइननेस की अगर हम बात करें तो सबसे जो फाइन ऐश है वो है फ्लाई ऐश। ऐश हैंडलिंग सिस्टम में कई सिस्टम इन्वॉल्व किए गए हैं, जो कि पहला है बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम, पोर्स ऐश हैंडलिंग सिस्टम, फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम, उसके बाद में ऐश डिस्पोजल सिस्टम और इसको यहाँ से प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम में जो विभिन्न अवयव हैं वो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम है, पोर्स ऐश है जो कि इकोनोमाइजर में मिलती है, एयर प्री हीटर ऐश हैंडलिंग सिस्टम है, फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम है और ऐश स्लरी डिस्पोजल सिस्टम है। ये एक चित्र के माध्यम से बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम को दर्शाया गया है कि बॉयलर के नीचे एक हॉपर लगे रहते हैं, जिसमें कोयले के दहन के उपरांत जो राख बनती है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इन हॉपर्स के खोलने से ये राख नीचे सम्प में चली जाती है। तो बॉटम ऐश रिजल्टिंग फ्रॉम द कम्बशन ऑफ द कोल इन द बॉयलर फॉल्स इन टू द ओवर ग्राउंड रिफ्रैक्टरी लाइन वाटर इम्पाउंडेड मेंटेन्ड लेवर डबल वी सेक्शन टाइप डब्लू टाइप स्टील फैब्रिकेटेड बॉटम ऐश होपर हैविंग ए होल्ड अप वॉल्यूम टू स्टोर बॉटम ऐश हैंडलिंग एंड इकोनोमाइजर ऐश ऑफ मैक्सिमम अलाउेबल कंडीशन विद द रेट स्पेसिफाइड। The slurry form is transported to the slurry sump through the pipes. This is overall picturization of the ash handling system. It can be zoomed out like this to visualize. Now this is our boiler and coal is being burnt, and this is a bottom ash handling system. ash yahan collect ho jati hai, usko
क्लिंकर ग्राइंडर में भेजकर और एक बॉटम ऐश सिलो में भेज दिया जाता है, जहाँ से इसे कन्वेयर के माध्यम से एक स्लरी मिक्सिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस राख में कोयल पानी को मिलाया जाता है और स्लरी बनाई जाती है। इसी प्रकार से इकोनोमाइजर में जो राख कलेक्ट हो रही है इकोनोमाइजर के ऐश हैंडलिंग सिस्टम में, उसे पाइप के माध्यम से फ्लाई ऐश और ईएसपी में जो राख इकट्ठी हो रही है उसे भी इस हॉपर में भिजवा दिया जाता है। एयर प्री हीटर में जो राख इकट्ठी हो रही है कलेक्ट हो रही है उसे भी पाइप के माध्यम से इस फ्लाई ऐश सिलो में इकट्ठा कर लिया जाता है और कन्वेयर के माध्यम से उसे भी स्लरी मिक्सिंग टैंक में भेज दिया जाता है। स्लरी मिक्सिंग टैंक में क्योंकि राख का घनत्व अधिक होता है तो राख नीचे बैठ जाती है और पानी पानी ऊपर तैरता रहता है और उसे फिर पाइप के माध्यम से बॉटम में से पाइप निकाल के स्लरी पंप बोलते हैं जिनको, और आगे ऐश डिस्पोजल एरिया में भिजवा दिया जाता है। तो राख का निस्तारण करना अति आवश्यक है, वातावरण को दूषित करती है, प्लांट को भी दूषित करती है और प्लांट में कार्य करने वाले वर्कर्स को भी बीमार बना देती है। तो इन सब से बचने के लिए राख का निरंतर निस्तारण अति आवश्यक है। जिस प्रकार से पावर प्लांट निरंतर चलता रहता है तो कोयला भी निरंतर दहन होगा तो राख भी निरंतर बनेगी, तो उसका निस्तारण भी निरंतर करना अति आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।